हेलो फ्रेंड्स, विनीता किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। कस्टर्ड बनाने का एक परफेक्ट तरीका होता है और एक सही रेशियो होना चाहिए, तभी कस्टर्ड बहुत बढ़िया बनकर आता है। ये रेसिपी खाने में बहुत टेस्टी और ये बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि इसे ढेर सारे फ्रूट्स और दूध डालकर बनाया जाता है और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है, तो आप बच्चों को ज़रूर बनाकर खिलाइए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले पैन में दूध को गर्म करेंगे। यहाँ मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है। जब तक दूध में उबाल आता तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 कप दूध लिया है। ये दूध रूम टेम्परेचर पे है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। मैंने यहाँ वनीला कस्टर्ड पाउडर यूज किया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बिल्कुल लम्प्स नहीं रहने चाहिए, एकदम परफेक्ट इसको घोल लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे परफेक्टली मिक्स कर लिया है, बिल्कुल लम्प्स नहीं रहने चाहिए। दूध में उबाल एक आ गया है। अब इस स्टेज पे डालेंगे 4 बड़े चम्मच चीनी। आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से चीनी को मिक्स करेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखना है। चीनी हमारी अच्छी तरह से घुल गई है। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। इस स्टेज पे डालेंगे जो कस्टर्ड पाउडर हमने घोल रखा है। घोल थोड़ा ही थोड़ा करके डालें, इकट्ठा नहीं डालें। लगातार चलाते रहेंगे, फ्लेम को एकदम लो रखेंगे इस समय और इसको लगातार चलाते रहेंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे ये गाढ़ा होगा और कलर चेंज होगा। इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। देखिए, थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। अब ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। आपको पता कैसे चलेगा कि ये हमारा गाढ़ा हो चुका है? देखिए, इस चम्मच पे एक कोटिंग आनी शुरू हो गई है। देखिए, इस पर घोल ये रुक जा रहा है, इसका मतलब ये गाढ़ा हो चुका है। देखिए, और हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। 2 से 3 मिनट तक बस अब इसको पकाना है, क्योंकि ठंडा होकर ये और गाढ़ा होगा। अब हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको इसी तरह से ठंडा होने देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, में डालते अपने मनपसंद के फ्रूट। मैंने यहाँ लिया है सेब। मैंने सेब को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और मैंने लिया है केला। केला को भी छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है और अनार के दाने। आपको जो भी फ्रूट पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। मैंने इसे 1 घंटा फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। आप देख रहे हैं कितना क्रीमी और कितना डिलीशियस हमारा तैयार हुआ है कस्टर्ड। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रूट्स को। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें केला ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सेब। और अनार के दाने। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं हमारा कस्टर्ड कितना अच्छा लग रहा है और बच्चे भी इसे बहुत ही पसंद करेंगे। अब हमारा फ्रूट कस्टर्ड तैयार है। आप फ्रूट तभी ऐड करें जब आपको सर्व करना है, नहीं तो इसमें पानी छोड़ देगा। अब हम इसे सर्व करते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट जरूर करिए और एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। ये आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब टू माय चैनल आप एक बार जरूरी से ट्राई करें। तो देखा आपने फ्रूट कस्टर्ड बनाना कितना आसान है, आप जब मन करे तब इसे बना सकते हैं। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर देंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। हमने इसमें काजू और किशमिश यूज किया है। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अगर मेरी फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।